तो आज हम आगे पढ़ते हैं हिंदी शिक्षण में। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एनसीएफ 2005 की जो आमुख चीज़ें थी उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो पिन पॉइंट थे कि एनसीएफ 2005 के आधार पर भाषा शिक्षण कैसी होनी चाहिए या कोई भी शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो उसके बाद आज हम लोग पढ़ते हैं पाठ्यपुस्तक। तो पाठ्यपुस्तक में मिलेगा जो आगे कि भाषा की पुस्तकें केवल एक पाठ्यपुस्तक, केवल एक पाठ्यपुस्तक ही नहीं बल्कि बच्चों के साथ मिलकर कविता गाने, कहानी सुनने, भाषा को रोचक खेल खेलने का जरिया या माध्यम भी है। माने भाषा की पुस्तकें केवल पाठ्यपुस्तकें नहीं बल्कि बच्चों के साथ मिलकर कविता गाने, कहानी सुनने, भाषा को रोचक खेल खेलने का जरिया या एक माध्यम भी है। फिर आगे हम देखते हैं कि बच्चों को स्वयं सोचकर कुछ करने, पढ़ने लिखने के लिए बेझिझक होकर स्वयं व्यक्त आत्मविश्वास पैदा करने के लिए स्कूल एवं घर में अवसर ढूंढे जा सकते हैं। मतलब यहाँ ये कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक के को हमें इस तरह से बनाना चाहिए या पाठ्यपुस्तक ऐसे हो जिसको सोचकर बच्चे पढ़ने के लिए, बोलने के लिए बेझिझक होकर, चाहे स्कूल हो या घर में हो, उनको तमाम प्रकार के अवसर प्राप्त हों। आगे देखते हैं, दुनिया को समझने के लिए भाषा एक बढ़िया औजार का काम करती है। माने दुनिया को समझने के लिए भाषा एक औजार का काम करती है। फिर इसलिए दुनिया को बच्चों की निगाह में से देखने की और ज़िंदगी में भाषा एक महत्वपूर्ण समझने की आवश्यकता है। माने दुनिया को समझने का भाषा एक महत्वपूर्ण औजार है, इसलिए भाषा किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए या एक बालक के लिए एक महत्वपूर्ण औजार और साधन के रूप में कार्य कर सकती है। इसलिए दुनिया को यदि देखना है तो भाषा एक प्रमुख साधन या स्रोत एक बालक के लिए हो सकता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अध्यापक द्वारा कुछ बातों का ध्यान रखकर बच्चों के लिए भाषा सीखना आनंदमयी बनाया जाता है। मैंने अध्यापक यदि कुछ बातों को ध्यान में रख ले तो भाषा सीखने की जो विधि है उसे और आनंदमयी बनाया जा सकता है। जब बच्चा स्कूल आता है तो समृद्ध और विकसित ज्ञान के साथ आता है। बच्चा जब भी देखिए जो ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ेगा, सारे पॉइंट सीटेट के पूछे हुए पॉइंट हैं कि बच्चा जब स्कूल आता है तो समृद्ध और विकसित ज्ञान अपने साथ लेकर आता है और वह अपनी भावनाओं एवं जरूरतों को अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। वह अपने आसपास बोली जाने वाली भाषा को अनेक संदर्भों और स्थितियों में प्रयोग होते देखता है। माने वह अपने आसपास बोली को, भाषा को प्रयोग होते हुए भी देखता है, महसूस करता है। और आगे देखते हैं हम, वह अपने आसपास बोली जाने वाले भाषा के अनेक संदर्भों और स्थितियों का प्रयोग होते क्या करता है, स्वयं देखता है नज़दीक से। और वह मौखिक भाषा में कुछ अन्य मान्यताएं अवधारणाएं बना लेता है। वह मौखिक भाषा को सुनकर अपने आप में मान्यताएं बना लेता है, कुछ अवधारणाएं बना लेता है और बाद में आगे हम लोग देखेंगे वह उसे स्पष्ट करने का भी पूर्ण प्रयास करता है। वह यह अनुभव करता है कि भाषा के जरिए वह सभी अपनी इच्छाओं एवं जरूरतों को जाहिर कर सकता है। वह ये महसूस करता है कि भाषा के माध्यम से वह अपनी इच्छा व अपनी जरूरत को महसूस कर सकता है। देखते हैं आगे दोस्तों, भाषा नियमबद्ध होती है। भाषा में कुछ नियम होते हैं, लेकिन जो अगला पॉइंट है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों में भाषा के नियमों का पालन करते हैं भले ही उन्हें नियम न पता हो। जैसे बालक कहता है कि पापा राम आम खाता है, तो अगर उसमें पूछे कर्ता क्रिया कौन है तो बालक नहीं बता सकता, किंतु जब भाषा का प्रयोग करता है तो पूरी तरह से वह नियम के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करता है। जैसे बालक ये कह देता है कि पापा भैया बाजार गया था और वहाँ से वह मेरे लिए आम लाया। अब इसमें पूछेंगे कि वह सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है, तो बालक बताने में असमर्थ होगा, लेकिन नियम नहीं बता पाएगा, किंतु वह ये जरूर बता लिया कि यह भाषा को एक नियम के तहत वह संज्ञा सर्वनाम का उचित प्रयोग कर पाता है। इससे यह बात और स्पष्ट होती है कि बालक कुछ चीज़ें जो स्वयं सीखता है, महसूस करता है और उसे शुद्ध रूप से बोलता है, बेशक उसे वह नियम के आधार पर बोलता है, उसे नियम पता हो या ना पता हो। उसी क्रम में और आगे हम लोग देखते हैं, तो बालक जो है वह नियम के आधार पर ही बोलता, बेशक उसे नियम ना पता हो। फिर आगे देखते हैं, यदि परिवेश में बोली जाने वाली भाषा सुनकर बच्चे बोलना सीख जाते हैं तो समृद्धि
परिवेश मिलने पर बच्चे पढ़ना लिखना भी सीख सकते हैं, माने जब वो बोलना सीख सकते हैं, अगर अच्छा उन्हें समृद्ध अच्छा माहौल मिले, अच्छा परिवेश मिले, वो बोलना पढ़ना लिखना दोनों आसानी से सीख सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यदि स्कूल में लिखित भाषा का भरपूर परिवेश बनाया जाए तो बच्चों को पढ़ने और लिखने के विकास में काफ़ी सहायता मिलेगी या बहुत सहायक सिद्ध होगा, पढ़ने और लिखने में वो काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। यदि परिवेश एक माहौल बना जाए कक्षा के अंदर पढ़ने का लिखने का, तो उनके लिए एक सकारात्मक प्रभाव ला सकता है, सकारात्मक प्रभाव देगा। आगे देखते हैं, बच्चों को उनके अपने अनुभव उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों को उनके जो अपने अनुभव होते हैं उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए दोनों के लिए ही प्रेरित करते हैं। अच्छा, पढ़ना और लिखना एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है और एक दूसरे को विकसित करने में भी सहायक होती है, क्योंकि हमें जानते हैं, देखिए भाषा के लिए जब भाषा को जब पढ़ते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान देना होता है कि हिंदी भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसकी एक खास विशेषता है, ये जैसी पढ़ी जाती है वैसे ही लिखी जाती है, अर्थात जैसी लिखी जाती है वैसे पढ़ी जाती है, इसलिए दोनों एक साथ चलने वाली एक प्रक्रिया है, इसलिए दोनों को हम एक साथ चला सकते हैं, दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, पढ़ने और लिखने के बारे में इस बात पर बल देना जरूरी है कि बच्चों को भाषा प्रयोग केवल पढ़ने लिखने और बोलने के लिए ही ना करें, बल्कि तर्क करने, विश्लेषण करने, अनुमान लगाने, अभिव्यक्त करने तथा कल्पना करने आदि के लिए भी करें। जब बच्चों को पढ़ने लिखने पर बल दे, तो इस बात का विशेष ख्याल आपको रखना है कि वह इसका प्रयोग केवल पढ़ने लिखने में न करे, वह भाषा को लेकर आत्मविचार करे, चिंतन करे, तर्क करे, वितर्क करे, विचार करे, विमर्श करे, अपनी राय दे और कल्पना भी करें, वह अनुमान लगाएं कि वह कितना बड़ा है, कौन छोटा, कौन बड़ा, मेरे पास 5, उसके पास 10, किसके पास ज़्यादा। तो कहीं न कहीं हम इन भाषा के प्रयोग से उसके अंदर कल्पना आदि ज्ञान का जो सृजन है वो हम आसानी से कर सकते हैं और बालक को एक सृजनशील भी बनाएंगे या बना सकते हैं आप। फिर भाषा कि पाठ्यपुस्तक में बच्चों के लिए इस तरह का वातावरण उपलब्ध किया जाए कि बच्चों में संवाद स्थापित हो सके, माने बच्चों के अंदर यह वातावरण ऐसा माहौल बनाया जाए कि उनके अंदर एक संवाद जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाए। इसी क्रम में और आगे देखते हैं, बच्चे भाषा सीखने के दौरान रटी रटाई वर्णमाला के आवरण से निकल कर स्कूल की दुनिया के बाहर गतिविधि अपने आप में जोड़ सके, माने हमें यह भी देखना है कि बालक जो स्कूल में रटी रटाई जो वर्णमाला उसी को ध्यान दे, हमें उससे बाहर भी जोड़ना है। जैसे क से कबूतर है, तो अगर बालक कलम अगर आए तो बालक ये समझ ले क से कलम है, तो अगर कोई काम पर जा रहा है तो कोई क से काम है, तो इस तरह से बालक को इस बात को बाहर की दुनिया से भी जोड़ के रखना होगा, इस बात को समझाना होगा या इसे बताना होगा, ताकि वो अपने ज्ञान का प्रयोग बाहर की दुनिया के लिए भी आसानी से कर सके। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम कि ऐसा करके न सिर्फ आनंदित होंगे बल्कि उत्साह से संवादों का आदान प्रदान भी करेंगे। मतलब बच्चे ऐसा करके न सिर्फ आनंदित होंगे बल्कि उत्साह से संवादों का आदान प्रदान भी करेंगे। फिर आगे हम लोग देखें, बच्चों के कौतूहल को शब्द दे पाना अध्यापक के लिए उनसे बातें करना था उन्हें जोड़ने एक सुनहरा अवसर देती है। अब बालक से बात करें, मजाक करें, कौतूहल उनके अंदर लाएँ, कुछ विचित्र तथा उनके अंदर उत्पन्न करे, जिससे वो बात करे, आपसे जुड़े, आपसे आप मतलब एक अध्यापक और बालक के बीच कुछ डर होती है, इस डर को ख़त्म करे, बेझिझक होकर वो अपने भाषा का प्रयोग आपके साथ करे और आप भी करें, और इस प्रकार वो नए नए शब्दों को सीखेगा और भाषा के साथ साथ वो अपने ज्ञान का भी सृजन करेगा, और इस तरह हम एक सृजनात्मक बालक की जो कल्पना करते हैं वो उसे हम जल्द ही साकार कर पाएंगे। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, संवाद यह सिलसिला बच्चों की जिज्ञासाओं समन के साथ साथ अभिव्यक्ति आत्मविश्वास भी भर देता है, और जो संवाद का सिलसिला होता है यह बच्चों के अंदर आत्मविश्वास भर देता है, यह अभिव्यक्ति की जो अभिव्यक्ति होती है उसमें काफ़ी विकास होता है, वह अपने आप में स्वयं एक निखार महसूस करता है। इसलिए भाषा बच्चों का जो है वह सर्वांगीण विकास करने में एक अहम योगदान, एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पाठ्य पुस्तक निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, इसमें रचनात्मक सुधार की गुंजाइश सदैव बनी रहती है, माने पाठ्यपुस्तक निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है जिसमें रचनात्मक सुधारों की गुंजाइश सदैव बनी रहती है।
फिर आगे देखते हैं, इसी संबंध में शिक्षकों के सुझाव, इसी संबंध में शिक्षकों के सुझाव और प्रश्नों को ध्यान में रखा गया। इसी संबंध में शिक्षकों के जो सुझाव होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। और साथ ही साथ देखिए आगे जो महत्वपूर्ण है, इसी क्रम में रिमझिम एक किताब का भी नाम है। और जब हम हिंदी भाषा या किसी भाषा की किताब को जब हम पढ़ते हैं, उसके अंत में शब्द के अर्थ दिए गए होते हैं, जो साधारण शब्द का प्रयोग किए गए होते हैं। आगे देखते हैं बाल साहित्य, ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाल साहित्य, तो बाल साहित्य में देखते हैं बाल साहित्य क्या होता है। प्राथमिक स्तर में बच्चों को बाल साहित्य भरपूर दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ने लिखने के प्रति रुझान बढ़ सके। ये बाल साहित्य क्या होता है, बच्चों के अंदर पढ़ने लिखने की जो रुझान होती है उसमें वृद्धि होती है। बाल साहित्य की भाषा बनावटी न होकर बच्चों की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। मानी जो बाल साहित्य की भाषा होगी वो बच्चों की भाषा से न मिलकर आम बोलचाल की भाषा से भी मिलती हुई होनी चाहिए। यह साहित्य न केवल बच्चों के लिए रोचक होता है, बल्कि पढ़ना लिखना में भी सहायक सिद्ध होता है। बाल साहित्य क्या होता है, उनके पढ़ने लिखने में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। और इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ते हैं, लेकिन तब तक लिए आप जान लीजिए मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध हैं, और सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट के भी आपको नोट्स उपलब्ध हैं। यदि आपको नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ से बात कर सकते हैं। और फेसबुक पेज हमारा ई-लर्निंग विद दुर्गेश, और टेलीग्राम पे भी दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ सकते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसी क्रम में कविता। देखिए कविता क्या है, अभी साहित्य बाल साहित्य पढ़ा हम लोगों ने, पुस्तक पढ़ा, आमुख पढ़ा एनसीएफ 2005 का। अब आगे देखते हैं श्रवण और पठन कौशल विकास में कविता आश्चर्यजनक योगदान देता है। पठन कौशल के विकास में क्या होता है, श्रवण और पठन कौशल विकास में कविता का आश्चर्यजनक योगदान होता है। बच्चों के लिए ऐसी कविता का चुनाव करना, देखिए बच्चों के लिए जो कविता का चुनाव करना है उसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना, कि सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चों के लिए मज़ेदार हो, पहली बात बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, मज़ेदार हो, जो लय और संगीत प्रधान हो, और लय भी हो संगीत प्रधान हो, बच्चे आसानी से उच्चारण कर सके, बच्चों को बोलने में आनंद का अनुभव हो, जो उसकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को छूती हो, जैसे मछली जन की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, इस प्रकार से। और जिसकी भाषा बनावटी ना हो, वह बनावटी भाषा पर आधारित ना हो, वह बच्चों की भाषा आम भाषा हो, एकदम सरल भाषा हो, जितनी सरल भाषा होगी उतना आपके लिए और बेहतर होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं जिनकी भाषा बच्चों से मिलती जुलती होनी चाहिए, और इस प्रकार अध्यापक को कविता गाकर सुनाने चाहिए तथा बच्चों को भी गाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और वह इस तरह से प्रेरित करे कि बच्चा इतनी बार उसको गाए, इतनी बार कहे, ताकि वह उच्चारण करने के साथ साथ वह संगीत लयबद्ध भी तरीके से करना सीख जाए। और वह कविता की विशेष बात हो कि वह उसके ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं को भी छूने वाली होनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग इसी के क्रम में, और आगे भी बचे हुए हैं, तो आज के लिए इतना ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कहानियाँ, कहानियों के बारे में। तब तक के लिए आप सभी से ये अनुरोध है कि आप सभी अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम और फेसबुक पेज के भी लिंक उपलब्ध हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हमारे सभी नोट्स और सभी ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध हैं, और इस वीडियो लिंक को आप सभी तक शेयर कर दें।